नालंदा में समाज शक्ति पार्टी के द्वारा भव्य रोड शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज शक्ति पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब आलम एवं राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद मुंतजिर आलम ने शुक्रवार को अपने लोकसभा प्रत्याशी शशि कुमार के समर्थन में नालंदा लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रोड शो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान कराय परसुराय, हिलसा, इस्लामपुर, राजगीर और सिलाव में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नालंदा से पार्टी के प्रत्याशी शशि कुमार ने मौजूदा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 15 साल सांसद रहने के बावजूद वे अपने प्रयासों से कोई भी विकास कार्य नहीं करवा सके। श्री कुमार ने आरोप लगाया कि सांसद ने सिलाव प्रखंड के नानंद गांव को गोद लिया था, लेकिन वह सिर्फ छलावा साबित हुआ। आज तक उस गांव में कोई काम नहीं हुआ और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा के किसान बाढ़ और सूखे से हमेशा परेशान रहते हैं। कई इलाके हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं, लेकिन सांसद ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। श्री कुमार ने कहा कि नालंदा में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद मरीजों को दूसरी जगह रेफर किया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आए तो नालंदा के लोगों को ही रोजगार देंगे, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने जिले को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया। समाज शक्ति पार्टी के द्वारा आज नालंदा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कराय परसुराय होते हुए कराय परसुराय, हिलसा, कंगर, इस्लामपुर, राजगीर, नालंदा, सिलाव, बिहार शरीफ तक रोड शो का आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो है स्वागत किए, ढोल बाजे नगाड़े के साथ में फूलमालाओं से स्वागत किया गया, भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। हाँ, कि जनता जो है बदलाव चाह रही है। आज तक जो है 15 साल से जो है सब ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा विकास का मुद्दा है। आज तक देख लीजिए, बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा जो है रोड गड्ढे में तब्दील हो गया है। नल जल के नाम पर भारी घोटाला हुआ है। युवाओं को रोजगार के लेकर के प्रखंड स्तरीय जो है हम विधानसभा स्तरीय जो है रोजगार के लिए जो है कि कंपनियां लाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बिहार आना पसंद नहीं करता है। यह नालंदा के लिए दुर्भाग्य की बात है। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो? लोगों को मैसेज यही देते हैं कि अगर हम लोग को हम यहाँ से भेजते हैं चुन करके, तो किसी भी प्रकार का जो है परेशानी आने पर हम 24 घंटा सभी को उपलब्ध हैं। यहाँ नालंदा तो हम बहुत पहले से आ रहे हैं और अभी तो मतलब कुछ ज़्यादा ही देखे हैं उसका। एक्चुअली क्या है कि इस बार सभी लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव तभी होगा कि जब यानी कोई तीसरा आए, तो तीसरा चेहरा का मतलब अभी लोगों को इंतज़ार था। तो क्या है कि हम लोगों के द्वारा पार्टी बनाया गया, अब क्या है कि मतलब इस पर सभी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम हो रहा है, जिसमें क्या है कि लोगों के टारगेट के अनुसार मतलब बुलावा के अनुसार ही कैंडिडेट को हम दिया है। मतलब शशि कुमार को नालंदा के लोग चाहते हैं। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दूसरा आएगा तो वो शशि कुमार ही आएंगे। इसलिए क्या है कि हम इनको उम्मीदवार बनाने का काम किए हैं और सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सब कोई मिल करके इनको सपोर्ट करें।